एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केरल की बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसका नाम है बीटरूट पचाड़ी, यानी कि बीटरूट रायता। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के बीटरूट। अगर आपके पास बड़ा बीटरूट है तो आप 1 ले सकते हैं। कोकोनट पाउडर, दही, करी लीव और ग्रीन चिली, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे हम पहले बीटरूट को छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट को छील लिया है। तो अब इसके इस पार्ट को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम बीटरूट को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट को ग्रेट कर लिया है, तो इसको अब रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हम एक जाल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हम इसमें क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिली। एक इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए इसका फाइन पेस्ट बनके रेडी हो गया है। तो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। अब हम ऐड करेंगे इसमें बीटरूट। तो बीटरूट को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे हम चला लेंगे। और अब इसे हम ढक करके लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यह हमारा बीटरूट पक चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कोकोनट का पेस्ट बना के रखा था उसको। तो पेस्ट को ऐड करने के बाद इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ढक करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा पक करके तैयार हो गया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, हमने पेस्ट में भी सॉल्ट ऐड किया था। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे ये पक करके रेडी हो गया है। तो इसको रखते हैं साइड में और वापस से हम अब एक तड़का पैन गर्म करेंगे। यहाँ पे पैन गर्म हो गया, इसमें हम अब ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं।
तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, दो ग्रीन चिली, तो चिली को यहाँ पे बीच से हल्का सा कट लगा दीजिएगा, और करी लीव। तो करी लीव को ऐड करने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तड़का बनके रेडी हो गया है। तो अब हम वापस से लेंगे अपना रायता। तो ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे तड़का। तड़का ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और चलते हैं अब इसे हम सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।